शुक्रवार को थाना गुलहरिया अंतर्गत भटट चौकी के सामने ताजिए में करंट उतरने और उसके बाद उपद्रवियों द्वारा चौकी भटट पर की गई तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ने और सरकारी पुलिस वाहन को जलाने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उठाकर ले जाने, फाड़कर जला देने और पुलिस पर उप निरीक्षक दिलीप चौधरी एवं अन्य दो सिपाही होमगार्ड पर जान से मारने के लिए किए गए प्राणघातक हमले के संदर्भ में 24 लोगों पर नामजद और 150-200 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद लोगों में से दो अभियुक्तों और उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर 15 अन्य सहित कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी देते हुए पुलिस के जनसंपर्क कार्यालय की ओर से दी गई है। जानकारी में बताया गया है कि वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश देकर प्रयास किया जा रहा है। ये कल गुलहरिया थाना क्षेत्र के अंदर बलवा 307 CLA एक्ट सरकारी काम में बाधा, आर्सनिक, जो आगजनी, इन धाराओं के अंदर लगभग 24 लोगों के ऊपर नामजद और 150-200 के बीच में अज्ञात लोग जो थे उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसके अंदर कार्रवाई करते हुए अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनमें से दो नामजद हैं और 15 लोग जो हम लोग के पास जो वीडियो फुटेजेस और अभी सूचना और बाकी चीज़ों से हम लोगों ने डेवलप किया था उसके अंदर जो लोग प्रकाश में आए थे, इन टोटल अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लगातार पुलिस की दबिश इसके अंदर चल रही है और इसके अंदर और भी जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।